वेलकम टू आर चैनल। ऑलरेडी हमने जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया है फॉर रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जनरल साइंस का 1000 बेस्ट हमने क्वेश्चन जो है बनाया है। और ये जो 1000 क्वेश्चन बनाए गए हैं कहाँ से बनाए गए हैं, रेलवे ने प्रीवियसली जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 क्वेश्चन बनाया है। तो आगे जो एग्जाम होने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन, यहाँ पे आपको जनरल साइंस के इसी तरह क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने यह भी डिमांड किया था कि ये क्वेश्चन उन्हें दे दिया जाए ताकि प्रिपरेशन में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, वो समझ सके कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है और कैसे प्रिपरेशन उन्हें करना चाहिए। इसलिए हमने भी एक काम किया है कि बेस्ट जो है यहाँ पे 2000 एमसीक्यू आपके लिए बना दिया है। जनरल साइंस का 1000 एमसीक्यू जो सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है इसको तो इंक्लूड किया ही है, साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से भी 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं और इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। एलपी और टेक्नीशियन दोनों में वैकेंसी कम है, इस वजह से जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन जो है ये जनरल साइंस से आने वाले हैं। तो टोटल 75 से अगर देखें तो 30 क्वेश्चन जो है ये जनरल साइंस प्लस जनरल अवेयरनेस और प्लस करंट अफेयर यहाँ से आने वाले हैं। तो इसी वजह से जो है बेस्ट 2000 क्वेश्चन बनाया गया है, 1000 जनरल साइंस का, साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस का। सारे पेपर्स को एनालिसिस किया है 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और खास करके साइंस के जो क्लास 9 के जो एनसीईआरटी बुक हैं और 10 के जो एनसीईआरटी बुक हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनाए जाते हैं। सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आ गया है। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, टेक्नीशियन के लिए भी यही सेम ही बुकलेट जो है काम में आने वाला है, उनके लिए जो है बुकलेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सिर्फ 99 रुपीज़ में इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छा से आप एनालिसिस कर लें और जब आप प्रिपेयर करेंगे इन एग्जाम्स के लिए, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। लेवल यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं होता है, रेलवे का जो लेवल टफ नहीं होता है। और सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट अगर हम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखें तो ये सेम ही रहता है। जनरल साइंस का तो हर एक ही जो है ये हमने पेपर्स में देखा है, ग्रुप डी का हो, एलपी टेक्नीशियन का हो, जेई का एग्जाम हो, यहाँ पे लेवल सेम है, लेवल चेंज नहीं होता है। तो 99 रुपीज़ में सिर्फ लॉन्च किया है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, जितना कम हो सके उतना कॉस्ट रखा है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरना है, जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। तो सिंपल प्रोसेस है और यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही ये बुकलेट मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के अलग लैंग्वेज में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो कृपया करके इस बुकलेट को ना लें। ध्यान रखना है यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, क्वेश्चन और उसका सही आंसर ये मार्क रहेगा ताकि आप समझ सके, इतने सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस करके जो क्वेश्चन बनाया है आप समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है। डिटेल में अगर हर एक वीडियो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर है तो उसको भी डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो देखने का ये फायदा है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके सारे वीडियोज़ को बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइटामिन एसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, तो कौन सा वाइटामिन इंपॉर्टेंट है फॉर द नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग? तो इसका सही जवाब है, यह है वाइटामिन B1, B6 एंड B12। ये तीनों वाइटामिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका अगर डेफिशिएंसी होता है इसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोपैथी जो है ये होता है, जिसके वजह से जो फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, यहाँ पे जो है ये नमनेस फील होता है। डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ए कैन कॉज, अगेन देखिए यहाँ पे रेलवे इस तरह क्वेश्चन बार बार जो है पूछता आया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता है कि वाइटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो यहाँ पे जो है नाइट ब्लाइंडनेस का जो है ये दूसरा नाम दिया गया है, नाइक्टेलोपिया जो है इसका नाम दिया गया है। और एक वे है कि इसका सही आंसर जानने का, अगर आपको अलग जो यहाँ पे तीन ऑप्शन है इनको अगर आप एलिमिनेट कर सके, तो रेलवे में हरदम ध्यान रखना अगर आपको सही आंसर नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एनीमिया के बारे में अगर पता है, ठीक है, क्वासी ऑर्कर के बारे में पता है, डिप्थीरिया के बारे में पता है, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। व्हिच सेल प्रेजेंट इन द रेटिना आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट एंड गिव कलर सेंसेशन? तो रेटिना में इनमें से कौन सा सेल जो है प्रेजेंट होता है जो कि सेंसिटिव है टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट एंड गिव कलर सेंसेशन? तो इसका सही जवाब है, यह ऑप्शन नंबर 2, कोन शेप्ड सेल। ये जो है रेटिना में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट एंड गिव कलर सेंसेशन। दो कलर के बीच जो डिस्टिंग्यूश हम करते हैं ये इसी कोन शेप सेल के वजह से ही हम कर पाते हैं। व्हिच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक सेल? तो अलग अलग जो पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे पैनक्रियास से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, सेलिवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है, स्टोमक सेल से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इनका काम क्या है, कौन से पर्टिकुलर चीज़ों को ये ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे पेप्सिन इसका सही आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
ये जो है स्टोमक सेल से सिक्रेट होता है। तो ये सारे चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। उसके अलावा पेप्सिन जो है क्या करता है, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इंटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में। उसी तरह एमाइलेज अगर देखें, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह सबके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एंजाइम्स हैं और कहाँ कहाँ से ये सिक्रेट होते हैं। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन थायरॉयड हार्मोन इन न्यू बॉर्न्स। तो इसका सही जवाब है ये है क्रिटिनिज्म। इसका सही जवाब है क्रिटिनिज्म का, और एक दूसरा नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी याद रखना है, HYPOTHROIDISM। तो इसका जो है ये करेक्ट जो है ये स्पेलिंग है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इसका और एक नाम है, और ये किस वजह से होता है, ये जो है मैटरनल आयोडीन डिफिशेंसी के वजह से होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, अगर इनके पेरेंट्स ये जो मदर हैं इनमें अगर आयोडीन डिफिशेंसी है तो ये डिजीज़ बिल्कुल हो सकता है न्यूबॉर्न में। द हार्ट इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे के एग्जाम में बना है। तो इसे जो है पेरिकार्डियम जो है इस मेम्ब्रेन से जो है ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिससे हार्ट जो है ये कवर रहता है। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, इसको और एक क्वेश्चन के तौर पे भी इसे जो है रेलवे पूछा है एक बार, तो उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट। ये भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये अलग अलग एग्जाम में बार बार जो है बने हैं, आगे चल के रेलवे के एग्जाम में भी बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। तो इसका सही जवाब है ये है राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये सॉयल बैक्टीरिया है दैट फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वंस इट फाइंड्स द बेस इनसाइड द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो MGDL ये बिल्कुल याद रखना, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इन विच ऑफ द ब्लड ग्रुप नो एंटीजन इज फाउंड। तो कौन से ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2, ब्लड ग्रुप ओ में जो है ये वो ब्लड ग्रुप जो है इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, हैज नो एंटीजन, लेकिन एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप है जिसमें जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच इज़ यूज एज बायो इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूटेंट्स पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ये है लीचेन। लीचेंस जो है ये बेसिकली बायो इंडिकेटर के तौर पे जो है ये काम में, अगर हम देखें ये प्रेजेंट नहीं होता अगर एटमोसफियर में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एयर पॉल्यूटेड है तो लीचेंस आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, लीचेंस। ये क्वेश्चन काफ़ी और बना है, रेलवे के एग्जाम में भी ये रिसेंटली बना था। डैश प्रोटेक्ट एंड लिब्रिकेट्स योर हार्ट एंड कीप इट इन प्लेस विद इन योर चेस्ट। तो इसका जो सही जवाब है, अभी हमने पेरिकार्डियम डिस्कस किया था, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जिससे जो है ये हार्ट जो है कवर रहता है। तो पेरिकार्डियम बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स एंड लिब्रिकेट्स योर हार्ट एंड कीप इट इन द प्लेस विद इन योर चेस्ट। उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1। पोलियो इज कॉज्ड बाय, तो पोलियो जो है ये क्या है, बेसिकली पोलियो वायरस की वजह से पोलियो होता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वायरस। पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, इसका नाम है पोलियो वायरस। बोमेंस ग्लैंड इज आर एसोसिएटेड विद, तो बोमेंस ग्लैंड जो है किससे एसोसिएटेड है, ये ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन से जो है ये एसोसिएटेड है। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिचुएटेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ नेसल कैविटी द ग्लैंड प्रोड्यूसेस म्यूकस टू मॉइस्चन द ऑल्फैक्टरी एपिथिलियम एंड डिजॉल्व ओडर कंटेनिंग गैसेस। ये जो है इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन में जो है ये इससे जो है ये एसोसिएटेड है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। अगेन ये भी क्वेश्चन काफ़ी और बना है, ईयर हो गया, आई हो गया, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में जरूर पढ़ के जाना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है ये रेलवे के पेपर से ही लिया गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कलेक्ट्स साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, तो इसका जो सही जवाब है ये है पिना, जो आप देख रहे हैं कान में, जो अगर आप देख रहे हैं इसे जो है कान का जो यहाँ पे अगर आप देखें फिजिकल अपीयरेंस जो है बाहर की ओर, तो इसे ही जो है पीना जो है ये कहा जाता है। और ये बेसिकली जो है कलेक्ट करता है साउंड को फ्रॉम द सराउंडिंग। पीना का और एक नाम है ऑरिकल, AURICLE, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगर पीना नहीं मेंशन हो तो ऑरिकल जो है ये मेंशन होगा। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, काफ़ी और क्वेश्चन बना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो लीवर में जो है ये प्रोड्यूस होता है। ट्रैकोमा इज डिजीज रिलेटेड टू, ट्रैकोमा जो डिजीज है किससे रिलेटेड है, ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आई को इफेक्ट करता है, तो ये जो है आई से रिलेटेड है। आइडोप्सिन इज लाइट सेंसिटिव पिगमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन द, तो आइडोप्सिन जो है ये क्या है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कोन सेल में प्रेजेंट होता है। अभी हमने डिस्कस किया था रेटिना में जो है कोन सेल होता है,
तो आइडोप्सिन जो है ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, और अगर इनसाइड हम जाते हैं और ये जो है कौन सेल में जो है ये प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। ठीक है, तो कंटेंट लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो ये होता है बेसिकली कौन सेल होते हैं, इट कंटेन्स द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट आइडोप्सिन, दे आर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स, दे आर बेसिकली आइडोप्सिन जो है दे आर द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट इन कौन सेल। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई, ये क्वेश्चन भी काफी और बना है, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है इसके मोस्ट कॉमन कैरियर जो है ये है हाउस फ्लाई। वाई व्हाट डज ट्राइप्सिन डू, तो ट्राइप्सिन क्या करता है, ट्राइप्सिन अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी एंजाइम्स हैं इनको जरूर आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइप्सिन क्या करता है, ट्राइप्सिन बेसिकली जो है ये ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ट्राइप्सिन जो है कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रिया से सीक्रेट होता है, एंड दे बेसिकली क्या करते हैं ये ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, कहाँ से सीक्रेट होता है सारे एंजाइम्स ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ट्राइप्सिन खास करके अगर हम देखें पैनक्रिया से सीक्रेट होता है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है इसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो नाम है ये है साइनेप्स, साइनेप्स जो है इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। द रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज ए पल्स रेट डैश बीट पर मिनट, तो पल्स रेट अगर हम देखें तो ये 72 टू जो है 85 होता है, एक रेस्टिंग पर्सन का अगर पल्स बीट देखें तो ये जो है 72 टू 85 जो है ये होता है। हार्ट बीट कितना होता है एक मिनट में पर मिनट में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता है तो। विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट, तो इसका सही जवाब है ये बोरोन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, तो ध्यान रखना बोरोन जो है ये खास करके जो है ये क्या करता है, वाटर और कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन जो है इसमें प्लांट्स में जो है ये मदद करता है। द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल वॉज, तो फर्स्ट जो सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल कौन सा था, तो ये था सीप, और इस सीप का नाम क्या दिया गया था ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम दिया गया था डॉली, DOLLY इसका नाम दिया गया था, डॉली इसका नाम दिया गया था। तो पहला सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल कौन सा था, ये था सीप जिसका नाम डॉली दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नीदर प्रोड्यूस फ्लावर नॉर सीड, तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसका सही जवाब है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है ये जो है नाइदर दे प्रोड्यूस फ्लावर नॉर सीड। इस तरह और एक क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है लेकिन ये फ्लावर जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये है जिम्नोस्पर्म। दोनों को अलग अलग ध्यान रखना, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जो है हड़बड़ी करते हैं और यहाँ पे गलत करते हैं। विच ऑफ दिस इज नोन एज विंड पाइप, तो विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, तो ट्रैकिया जो है इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, तो विच इज नोन एज विंड पाइप, तो विंड पाइप जो है ट्रैकिया जो है इसे विंड पाइप इसका दूसरा नाम जो है ये है। ग्लोमेरस आर फाउंड इन, तो ग्लोमेरस जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लोमेरस जो है ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ग्लोमेरस जो है इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो नेफ्रॉन्स के जो है यहाँ पे अगर हम देखें बिगिनिंग में स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और ये ग्लोमेरस होते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्लोमेरस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये चार ऑप्शन से किडनी जो है इसका सही जवाब है। अगर किडनी के अलग अलग जो है यहाँ पे दे दिया जाए जैसे नेफ्रॉन्स, तो अब इसका सही जवाब होगा क्योंकि नेफ्रॉन्स के स्टार्टिंग में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, फिल्ट्रेशन में ये मदद करते हैं। निमोनिया इफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर निमोनिया जो है ये कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, तो ये जो है लंग्स को जो है ये इफेक्ट जो है ये करता है। द टर्म RH फैक्टर रेफर्स टू, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन बना है RH फैक्टर किससे रिलेटेड है, तो ये ब्लड से रिलेटेड है, ध्यान रखना इस तरह का भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। तो RH फैक्टर का यहाँ जो है ये फुल फॉर्म क्या है, तो ये है रिसेस फैक्टर, इसका जो है ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रिसेस फैक्टर इज ए बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्या है RH फैक्टर जो है ये बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन है विच इज फाउंड ऑन आउटसाइड, सॉरी विच इज फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल। इफ द ब्लड हैज दिस प्रोटीन यू आर RH पॉजिटिव, इफ ब्लड डज नॉट हैव दिस प्रोटीन देन यू आर RH नेगेटिव। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना, अगर RH फैक्टर अगर हम जो देखें रिसेस फैक्टर, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है रेड ब्लड सेल में ये पाया जाता है, और ये प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो आप जो है ये RH पॉजिटिव है, और अगर ये प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है आपके जो है RBCs में तो ये यहाँ पे आप RH नेगेटिव है। तो ये बिल्कुल क्लियर रखें या नोट डाउन कर लें। हेमोग्लोबिन इज है, तो हेमोग्लोबिन क्या है बेसिकली अगर आप देखें प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो हेमोग्लोबिन बेसिकली जो है ये प्रोटीन है। सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। माइक्सेडेमा इज कॉज्ड बाय डिसऑर्डर ऑफ व्हिच ग्लैंड,
तो मैक्सिडेमा जो है ये किस वजह से होता है, कौन से जो है ग्लैंड के डिसऑर्डर के वजह से होता है, तो ये जो है थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर से होता है। और यहाँ पे क्या होता है ये भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन कॉज्ड बाय इनसफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय विच थायराइड हार्मोन जो सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, तो यहाँ पे जो है इसके वजह से क्या होता है इनसफिशियंट अगर प्रोडक्शन हो थायराइड हार्मोन्स का फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ पे क्या होता है थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन जो है ये होता है। और इसी का जो टर्म दिया गया है जो थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑफ सेल स्किन जो है इसका नाम दिया गया है मायक्सिडेमा। तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना आप ये किस वजह से होता है, कौन से जो है मैलफंक्शनिंग ऑफ विच ग्लैंड या फिर डिसऑर्डर ऑफ विच ग्लैंड, तो ये थायराइड ग्लैंड के मैलफंक्शनिंग या डिसऑर्डर की वजह से होता है और जिसमें थायराइड हार्मोन जो है ये सीक्रेट नहीं हो पाता है अच्छा से, जिसके वजह से ये स्वेलिंग होता है और थिकनिंग ऑफ स्किन होता है। तो वीडियो यहीं तक था, डिटेल में सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, इसी तरह सीरीज में और भी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।